16 बट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को लेकर है, पूछा गया इसको लेकर दो स्टेटमेंट्स दिए, आप बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। पहली कहती है इट इज लोकेटेड एट द बॉर्डर ऑफ दिल्ली एंड हरियाणा, दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर के ऊपर ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेट करती है। दिस सेंचुरी इज अ पार्ट ऑफ अरावली रेंजेस, अरावली हिल रेंज का भी ये पार्ट है। सोचे फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए रिसेंटली ये न्यूज में थी, क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेट किया है रिच मैनेजमेंट बोर्ड और डिसाइड किया है बेसिकली कि रिच मैनेजमेंट बोर्ड हैज डिसाइडेड टू कॉन्स्टिट्यूट एन एक्सपर्ट कमिटी टू लुक इनटू द प्रपोजल ऑफ डंपिंग इनर्ट नॉन रिएक्टिव वेस्ट इन द माइंस ऑफ असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिल्ली। तो ये जो चीज थी न्यूज में थी, तो यहां पे बेसिकली जो पैनल बनाया गया वो इसलिए बनाया गया कि जो नॉन रिएक्टिव वेस्ट है, जो इनर्ट वेस्ट है, इसमें बताया जा रहा है कि इसमें कुछ सोयल भी रहने वाली है, कुछ और वेस्टेज मटेरियल भी रहने वाला है, क्या उसको बेसिकली सारा का सारा मटेरियल नॉन केमिकली एक्टिव रहेगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये बताया गया कि क्या उसको जो माइंस है यहां पे, जो आपका ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसकी जो माइंस है वेस्ट, वहां पे इसे डंप किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, इसके ऊपर पैनल जो बिठाया गया। अभी इसकी जो वर्डिक्ट है वो आएगी, लेकिन आपको लोकेशन जो है वो पता होनी चाहिए, एग्जाम के अंदर लोकेशन आपसे पूछी जा सकती है। तो यस इट इज ऑन द बॉर्डर ऑफ दिल्ली हरियाणा, पहली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। एंड यस ये सेंचुरी जो है अरावली रेंजेस का पार्ट है, तो दोनों स्टेटमेंट ठीक होने की वजह से आंसर आपका हो जाएगा सी। एक बार लोकेशन यहां पर भी देख लीजिए। सो दिस वॉज द इन्फोग्राफिक। तो असोला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो इसके बारे में जान लीजिए। सो 32 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है और ये अरावली रेंज में फॉल करती है। यहां पे आप देखेंगे सरिस्का से लेकर राजस्थान में जो है इट पासेस थ्रू मेवात, गुड़गांव, फरीदाबाद, हरियाणा तक आती है। इको सेंसिटिव जोन है। द यूनियन गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड एन एरिया ऑफ अप टू 1 किलोमीटर अराउंड द बाउंड्री ऑफ द सेंचुरी इन फरीदाबाद एंड गुड़गांव रीजन में जो फॉल करता है एज इको सेंसिटिव जोन। तो ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट बात है, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए वर्डिक्ट दी जाएगी। विलेज इज एन इको सेंसिटिव जोन। तो यहां पे आपका लकातबूर आता है, देन पाली है, मांगर है, ये विलेजेस के नाम है जो कि एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। यहां पे बात क्या हो रही है देख लेते हैं एक बार। तीन चीजों की बात करी गई है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज बैन करी गई है, कौन कौन सी एक्टिविटीज रेगुलेटेड है जो कि एक लिमिटेड अमाउंट में करी जा सकती है, कौन कौन सी एक्टिविटी अलाउ है। तो इस एरिया के अंदर रेन वाटर हार्वेस्टिंग आप कर सकते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं, कॉटेज इंडस्ट्री आ सकती है, रिन्यूएबल एनर्जी एंड फ्यूल से रिलेटेड काम कर सकते हैं, एग्री फॉरेस्ट्री का काम कर सकते हैं, इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट यहां पे ई मोबिलिटी वाला लाया जा सकता है। क्या चीजें लिमिटेड करी जा सकती है यहां पे अच्छे तरीके से, बहुत ज्यादा नहीं करी जा सकती, एक लिमिट में ही करी जा सकती है। होटल्स एंड रिजॉर्ट्स, कंस्ट्रक्शन, स्मॉल स्केल नॉन पोल्यूटिंग इंडस्ट्रियां आ सकती है लेकिन काफी कम मात्रा में। ट्रीज को गिराया जा सकता है लेकिन अगेन रेगुलेटेड वे में। सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा सकता है रेगुलेटेड वे में। कमर्शियल एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ वाटर किया जा सकता है। क्या चीजें पूरी तरीके से बैंड है, कमर्शियल माइनिंग यहां पे नहीं की जा सकती, स्टोन क्वेरिंग नहीं करी जा सकती, क्रशिंग यूनिट्स यहां पे नहीं लगाई जा सकती, पोल्यूटिंग इंडस्ट्री यहां पे नहीं लगाई जा सकती, डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड एफ्लुएंट जो है वो यहां पे नहीं किया जा सकता, सो मिल्स एंड ब्रिक लाइंस जो है वो भी यहां पर नहीं लाई जा सकती। ठीक है, तो काफी सेंसिटिव एरिया है और आप देख सकते हैं यहां पे दिस इज ऑन द साउथ दिल्ली रीजन में और दिस इज द हरियाणा वाला पार्ट जो शेडेड आपको दिख रहा है, फरीदाबाद में फॉल करता है। तो आपसे एग्जाम में लोकेशन भी पूछी जा सकती है, पूरी न्यूज मैंने आपको यहां पर बता दी।